हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मिली गर्ल्स चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ नई रेसिपी और यूनिक नाम के साथ। तो चलिए, देर किस बात की है, लेट्स गो। एंथ्रेंगी चिकन बनाने के लिए मैं ले ली हूँ आधा किलो चिकन। इसको गार्निशन के लिए मुझे चाहिए लेमन जूस, इसको मैं ऐड कर दी हूँ, और चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। आप अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप चिकन को ले सकते हैं। इसको अच्छे से मैं ऐड कर लूँगी और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैं रखूँगी। मुझे एक ओवर नाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो इसको अभी फ्राई कर लेना है चिकन को। मेरा ऑयल गरम हो गया है, अभी इसके अंदर जाएगा चिकन फ्राई होने के लिए। हर बार आप देखे होंगे कि मैं सब्जी डालने के पहले मैं थोड़ा सा नमक छिड़क के देती हूँ कि तेल ज़्यादा ना छिड़के। पूरा चिकन को मैं ऐसे मैं फ्राई कर लूँगी। ये थोड़ा सा चिपक जाएगा क्योंकि इसमें लेमन जूस जो है, इसीलिए ये थोड़ा सा चिपक जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप कढ़ाई को बाद में आप साफ करके यूज़ कर सकेंगे। अभी इसको पकने के लिए मैं थोड़ा सा ढक्कन लगाऊंगी और इस बीच मैं एक मसाला तैयार कर लूँगी, एक मसाले का घोल। तो उसके लिए मुझे चाहिए जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और फिर से स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं घोल बना के रख दूँगी। अभी फिर से चिकन को ढक्कन खोल के मैं देख लूँगी कि हो गया। हाँ, बीच में मैं एक बार इसको चला दी थी तो ये चिकन एकदम रेडी हो गया, फ्राई हो गया। ये देखिए थोड़ा सा चिपक गया। तो मैं अभी इसको डिश आउट कर लूँगी और कढ़ाई को थोड़ा साफ करूँगी। ये जो फ्राई किया हुआ जो तेल, इसको मैं ग्रेवी के लिए इसी तेल को मैं यूज़ करूँगी। चलिए, कढ़ाई साफ करके मैं फिर इसी तेल में मैं एकदम बारीक कटा हुआ प्याज फ्राई कर लूँगी। अब ये प्याज भी फ्राई हो गया है। अभी इसके अंदर जाएगा, ये है टोमेटो प्यूरी। ये टोमेटो प्यूरी मैं पहले से मैं तैयार करके मैं रख दी थी। अभी पहले से तैयार किया हुआ मसाले का घोल भी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ और तुरंत इसको चला लेना है। ये मसाला भून चुका है, अभी इसमें ऐड करूंगी, ये है बेरिस्ता का पेस्ट। इसको भी मैं पहले से तैयार करके रखी थी। अभी ये मसाले को अच्छे से चला लेना है। अभी ये मसाले से बहुत अच्छा खुशबू भी निकल रहे हैं। इसको फिर से मैं ढक के पकाऊंगी कि ये जल्दी पक जाता है। अभी देखिए, ये मसाला एकदम पक गया है, एकदम तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर जाएगा ये क्या है, ये है मिल्क। एक कटोरी भर के मैं मिल्क यूज कर रही हूँ। अभी मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छे से
मिक्स कर लेना है। अभी मेरा फ्राई किया हुआ चिकन को भी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं पहले जितना तेल ऐड की थी चिकन फ्राई करते समय, उसी तेल में ही मैं ये चिकन बना रही हूँ। ये एंथ्रेंगी चिकन में ज़्यादा तेल नहीं लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए तेल भी धीरे धीरे अलग हो गया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम पानी। मैं थोड़ा सा ही ऐड की हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अभी अच्छे से चलाने के बाद मैं फिर से ढक्कन लगाऊंगी। ये ढक्कन भी लग चुका है, अब ये बहुत जल्दी पक भी गया है। देखिए एकदम रेडी हो गया है, मैं सर्व भी कर दी हूँ। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और परिवार में सबको खिलाइए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलें और लाइक तो बनता ही है। तो चलिए फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप स्वस्थ रहेंगे और हंसते रहेंगे। बाय बाय।